सबोई मूलकुम सेवा जोहार सेवा जोहार। नन्ना बस्तरिया वट्टी दादी साथियों, जब 2017 में गोंडी सिखाने के लिए कुछ साथी मुझसे कहे तो मैं शुरुआत में 5 किलोमीटर दूर उनके घर में गोंडी सिखाने के लिए जाता था। उस समय 3 ही लोग सीखते थे। कुछ दिनों के बाद समाज के आशीर्वाद से गोंडवाना भवन में गोंडी क्लास शुरू हुआ। तब उस समय कुछ लोग 40 किलोमीटर से गोंडी सीखने आते थे। मैं आज घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से फ्री में गोंडी सिखा रहा हूँ। आप लोग सीखिए ना, मैं समय दे रहा हूँ, मेरी मेहनत को व्यर्थ जाने मत दीजिए। अपनी भाषा की महत्व को समझिए और रोज के 33 से ही गोंडी सीखने होगा। आखिरी बात, जब तक नेट एवं यूट्यूब साथ देगा, क्या बोल रहा हूँ, जब तक नेट एवं यूट्यूब साथ देगा तब तक बस्तरिया वट्टी दादी गोंडी फ्री में सिखाते रहेगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों को गोंडी सिखाने के लिए परेशान हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मैं जो प्रत्यय से संबंधित बता रहा हूँ इसमें शुरू से अब तक सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों टाइप का बता रहा हूँ। गोंडी में यही कठिन चैप्टर है। मैं कठिन से सरल की ओर जा रहा हूँ, इसके बाद गोंडी सरल होते जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्रिया के मूल धातु रूप के आखिरी अक्षर के अ या आ को ओ करके या प्रत्यय लगाने से नहीं का अर्थ एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे मूल रूप उन मीन्स पी और उन्नना मीन्स पीना। यहाँ मूल रूप उन के आखिरी अक्षर ना को ओ कर दिए तो बन गया शब्द उन्नो, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया शब्द उन्नोय, तो इसका हिंदी अर्थ होगा नहीं पी। अब आसान सा वाक्य बनाइए। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस करिए। इद एर उन्नो, इसका हिंदी अर्थ होगा यह पानी नहीं पी। अब मैं पहले वाले वीडियो में बताया था उन्नोए मीन्स नहीं पी है। अब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा उन्नो मीन्स नहीं पीती या नहीं पीती है। मैं सूत्र बता दिया, सभी मूल क्रियाओं में ऐसा ही फिट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आगे देखिए, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। इसीलिए गोंडी सरल है, लेकिन रोज 5 मिनट प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर क्रिया के मूल रूप केंजा मीन्स सुन, केंजाना मीन्स सुनना। अब केंजा का आखिरी अक्षर जा को हम जो कर दिए तो क्या हो गया केंजो, धन या यानी प्रत्यय या जोड़ दिए तो बन गया केंजो, इसका हिंदी अर्थ हो गया नहीं सुनी। अब आसान सा वाक्य बनाइए, मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस करिए। लैया लेंग केंजो, इसका हिंदी अर्थ हो गया लड़की आवाज नहीं सुनी। यहाँ पर मूल रूप जैसे तीन मीन्स खा, तिन्नना मीन्स खाना, तीन का आखिरी अक्षर ना को हम ओ कर दिए तो बन गया तीनों, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया शब्द तीनों मीन्स नहीं खाई। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और साथ साथ बोलने भी लगिए। आज ही गाटो तीनों, इसका हिंदी अर्थ होगा दादी माँ खाना नहीं खाई। इसमें आज ही के लिए दादी माँ, और गाटो मीन्स खाना, तीनों मीन्स नहीं खाई। इस तरह गोंडी शब्द ज्ञान बढ़ाइए और रोज प्रैक्टिस करिए। सुनिए बोलिए, सुनिए बोलिए, इससे बोलने की प्रैक्टिस होगा और आपके मुंह या जबान में गोंडी चलेगा। फिर धीरे धीरे दौड़ाते रहिएगा, फिर बहुत मजा आएगा। सत्य पलोतुन इंतुना। यहाँ पर वाम या वाई मीन्स आ और वायाना मीन्स आना। वाई का आखिरी अक्षर या को हम
ओ कर दिए तो बन गया वायो धन या प्रत्यय, इसको जोड़ दिए तो क्या बन गया वायो मीन्स नहीं आई। अब वाक्य बनाइए मियाड़ लोन वायो, इसका हिंदी अर्थ होगा बेटी घर नहीं आई। साथियों आप भी सब्सक्राइब करते जाइए और दूसरों को भी कहिए। यहाँ पर मूल रूप जैसे तेदा मीन्स जाग या उठ और तेदना मीन्स जागना या उठना। तेदा का आखिरी अक्षर दा को हम दो कर दिए तो बन गया तेदो धन या प्रत्यय, जोड़ दिए तो क्या हुआ तेदो मीन्स नहीं जागी या नहीं उठी। अब आसान सा वाक्य बनाइए नूनी नरकी तेदो, इसका हिंदी अर्थ होगा बच्ची सुबह नहीं उठी। साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे तेदो और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा तेदो, ये दोनों को कन्फर्म करूंगा। आप कंटिन्यू देखते रहिए, कन्फ्यूजन मत होइए। साथियों मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं और गोंडी सीखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट्स करिए लाइक करिए ताकि मुझे पता तो चलेगा कि मैं कितना सही हूँ, क्योंकि आप लोगों को गोंडी सिखाने के लिए मैं परेशान हूँ और ठान लिया है सिखा के ही छोड़ूंगा। लेकिन आप लोग केवल 5 मिनट को याद करके प्रैक्टिस करिए फिर गोंडी बोलना मुट्ठी में है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए पस्तरिया बट्टी दादी की ओर से जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा।